हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल योर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे अमाइंस। अमाइंस में एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। पिछली क्लास में हमने अमाइंस का नॉमेनक्लेचर, प्राइमरी अमाइंस का नेमिंग यानी कि नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और एरोमेटिक अमाइन, और अगर टाइम मिला तो आइसोमेरिज्म तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अमाइन की नेमिंग प्राइमरी पढ़ चुके हैं बच्चों, सेकेंडरी अमाइन का नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंडरी अमाइन हमारा होता है RNHR। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई NH2 होता है 1 डिग्री अमाइन, याद है? NH2 होता है 1 डिग्री अमाइन। आफ्टर दैट NH जो है बच्चों, NH है हमारा 2 डिग्री अमाइन, और सिर्फ N की बात कर दूं तो ये होता है टर्शियरी अमाइन। तो आज हम सेकेंडरी अमाइन की नेमिंग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सेकेंडरी अमाइन है हमारा NH, है ना। लेफ्ट और राइट दोनों जगह आपके पास कम से कम एल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, H नहीं होना चाहिए कुल मिला के। अब बच्चों, सेकेंडरी अमाइन है RNHR। तो NH मतलब अमाइन, इधर भी R है इधर भी R है, अगर सेम है तो डाई एल्काइल, अलग अलग है तो अलग अलग लिखो भाई, एल्किल एल्किल, मिथाइल इथाइल, इथाइल प्रोपाइल, कुछ भी, है ना, और सेम है तो डाई एल्काइल लिख दो, ठीक है। तो मुझे RNHR का कॉमन नेम लिखना है, तो मैं कहूंगी भाई दो R है, दो मतलब डाई, दो मतलब डाई, ठीक है। R मतलब एल्किल सम, तो डाई एल्किल, और NH मतलब होता है बच्चों एमीन, तो ये हो जाएगा डाई एल्किल एमीन। और RNHR IUPAC समझाइए, तो 1 डिग्री की याद है, पिछली क्लास देखी थी, 1 डिग्री में क्या था, RNH2 एल्केनामीन, RNH2 एल्केनामीन, तो H हटा के नहीं लगता, हमने R लगा दिया है, सोचो 1 डिग्री अमीन ये था ना बच्चे, RNH2, ठीक है। मैंने थोड़ा H अलग करके लिखा है, इसको हमने क्या पढ़ा था, तो हमने इसको पढ़ा था एल्केनामीन RNH2। अब तुमने इसका H हटाया है और उसकी जगह क्या लगाया है, R, तुमने H हटाया है उसकी जगह लगाया है R, तो बच्चे R मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, है ना, और किसके साथ कनेक्टेड है, अमाइन के साथ कनेक्टेड है। तो एल्किल समूह अमाइन के साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो N एल्किल, है ना, नाइट्रोजन के साथ क्या कनेक्टेड है, R, नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है एल्किल समूह, तो इसको बोलेंगे बच्चों N एल्किल, ठीक है। तो ये है N एल्किल एल्केनामीन, जो कि इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो N एल्किल एल्केनामीन, तो हम लिख देंगे, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, N एल्किल एल्केनामीन, ठीक है, N एल्किल एल्केनामीन, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, ये भी CH3 पहचान लिया तुमने, ये भी मैथिल, दो बार मैथिल मतलब डाई मैथिल, बोलो, दो बार मैथिल यानी डाई मैथिल, और एमीन, तो होंगे यहाँ, ये तो सिंपल है ना, तो ठीक है भाई सिंपल है, तो लिख दो डाई मैथिल एमीन, बोलो यहाँ कोई दिक्कत है क्या, डाई मैथिल एमीन, है ना, इधर भी मैथिल, दो बार मैथिल, डाई मैथिल एमीन, IUPAC बोलो, तो हम कहेंगे N एल्किल एल्केनामीन। अच्छा, अभी तुम्हें लगा दोनों सेम है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता था, डिफरेंट होता तो क्या करते, ठीक है। तो देखो, N एल्किल एल्केनामीन, तुम क्या करोगे बच्चों, जो छोटा समूह है, है ना, जो स्मॉल ग्रुप है, जो छोटा समूह है, वो तो तुम्हारा एल्किल माना जाएगा, और जो लंबी श्रृंखला है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम है बच्चों, उसको एल्केनामीन पढ़ना, जो छोटी श्रृंखला है उसको एल्किल पढ़ना, जो लंबी श्रृंखला है उसको एल्केनामीन पढ़ना, ठीक है। तो N एल्किल एल्केनामीन में मुझे क्या लिखना चाहिए, तो मैं कहूंगी N मैथिल और मेथेनामीन, दोनों सेम है, इधर भी एक कार्बन, तो एक वाला एल्किल बोलो मैथिल, एक वाला एल्केन बोलो मैथेन, अमीन जोड़ दो तो मेथेनामीन, ठीक है। तो इसका IUPAC जो बनेगा, दैट विल बी N एल्किल, नॉट एल्किल, मैथिल लिखना पड़ेगा ना, CH3 है, तो वी विल राइट N मिथाइल मीथेनामीन, और हिंदी में हम लिखेंगे N मैथिल मेथेनामीन, ठीक है, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। नाउ CH3 CH2 NH CH3, तो बच्चों ये है एक कार्बन, ये है दो कार्बन,
एक कार्बन वाला एल्किल मैथिल, दो वाला एल्किल एथिल, तो इस बार अलग अलग है तो दोनों के नाम लिख दो मैथिल एथिल एमीन, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो हम कहेंगे चलो एथिल मैथिल एमीन, ठीक है, इथाइल मिथाइल एमीन या एथिल मैथिल एमीन। आईओपीएसी लिखो, तो बच्चों मुझे एल्केनामीन लिखना है, तो एल्केनामीन में मुझे लंबी श्रृंखला, देखो यहाँ दो कार्बन की चेन नजर आ रही है ना, तो मैं कहूंगी भाई ये तो एथेनामीन है, अगर मैं इसको हटा देती मैथिल को और एच लगा देती तो ये एथेनामीन तो होता ही, ठीक है, तो मैं कहूंगी ये एथेनामीन है और एन नाइट्रोजन के साथ छोटा समूह क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, नाइट्रोजन के साथ छोटा समूह क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, तो ये हो जाएगा बच्चों एन मैथिल एथेनामीन, ठीक है, एन मेथिल एथेनामीन, क्लियर, तो एन मिथाइल इथेनामीन और कॉमन लिखना है तो एथिल मेथिल और एमीन, सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो एमीन की नेमिंग में नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो इधर भी एथिल इधर भी एथिल, लेफ्ट साइड भी एथिल राइट साइड भी एथिल, दो एथिल डाइएथिल, बोलो दो एथिल तो डाई एथिल और अमीन तो है ही, तो हम कहेंगे ठीक है ना, इसमें क्या मेटाफोरी करना है, तो सिंपल है, दिस इज डाई इथाइल एमीन या बच्चों ये है डाई एथिल एमीन, करेक्ट, सिंपल है, कोई डाउट नहीं। आईओपीएसी लिखना है एन एल्काइल एल्केनामीन, एन एल्किल एल्केनामीन, तो एल्केनामीन लंबी श्रृंखला, तो हम कहेंगे दो कार्बन, एल्किल छोटा समूह, हम कहेंगे दो कार्बन, तो दो वाला एल्किल, एक वाला क्या था मैथिल, दो वाला क्या होगा एथिल, और एथेनामीन एक कार्बन में क्या था मेथेनामीन, दो में क्या बोलोगे एथेनामीन, बोलो, सिंपल है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आईयूपीएसी नाम पूछ लेगा, भाई इसका आईयूपीएसी नाम बताओ, डरना ही नहीं है, एन एथिल एथेनामीन, ठीक है, तो एन इथाइल इथेनामीन या एन एथिल एथेनामीन। अब यहां आते हैं, सामान्य नाम बताओ, हम पहचान जाएंगे, एनएच मतलब टू डिग्री एमाइन है, ये क्या है मैथिल, ये क्या है, तो देखो चेन घूम गई, ये ऐसे होते ही हम कहते हैं ना ये आइसो वाला टर्म है ना, ये चेन इस तरह से घूमते ही आइसो टर्म आ जाता, तो हम कहेंगे तो आइसो प्रोपिल है, तो प्रोपिल में दो ही तो कंपोनेंट है, दो ही तो रेडिकल है, तीन कार्बन सीधे नॉर्मल प्रोपिल, बीच वाले से कनेक्ट करोगे आइसो प्रोपिल, है ना, दो तरह की तो प्रोपिल होते हैं, सीधे नॉर्मल प्रोपिल, बीच वाले से कनेक्ट करोगे सेकेंडरी वाले से, तो आइसो प्रोपिल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका आपको क्या देना है, कॉमन नेम देना है भाई, ठीक है, तो हम कहेंगे कॉमन नेम लिखना है, तो ये मैथिल है या आइसोप्रोपिल है, तो मैथिल आइसोप्रोपिल एमीन, ओके, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल एमीन, आईयूपीएसी दिमाग लगाओ, है ना, आईयूपीएसी में लंबी श्रृंखला का चयन करो, ठीक है। अब तो मैं दिखाई भी दे रहा है, एन एल्किल है बच्चों, तो एन एल्किल में तुम क्या करोगे, एन एल्किल में तुम क्या करोगे, एन मैथिल लिख दो, छोटा वाला तो लिखना है तो मैथिल है, लंबी श्रृंखला, तो बच्चों दिमाग लगाओ, लंबी श्रृंखला तो हम कहेंगे तीन कार्बन की है ना, ये हमारी लंबी श्रृंखला है, ठीक है, और नंबरिंग देना चाहेंगे हम तो हम कहेंगे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो एन के साथ तो मैथिल है, एन के साथ मैथिल है, लंबी श्रृंखला में तीन कार्बन है प्रोपेन और टू पे अमीन है, तो बच्चों ये हो जाएगा एन मैथिल, ठीक है, N मैथिल प्रोपेन टू एमीन, ठीक है, N मैथिल प्रोपेन टू अमीन या N मिथाइल टू प्रोपेन अमीन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां देखो तो एक दो ये एथिल है, और यहां देखो एक दो तीन ये प्रोपिल है, तो ये है एथिल, ये है प्रोपिल और एमीन, तो एथिल प्रोपिल एमीन, है ना, दोनों दोनों एल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं, सिंपल है इसलिए, है ना, सामान्य नाम है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये एथिल है ये प्रोपिल है और अमीन लिखना है, तो लिख लेते हैं हम इथाइल प्रोपाइल एमाइन, ठीक है, एथिल प्रोपिल एमीन, एथिल प्रोपिल अमाइन कह सकते हैं। अब तो आईयूपीएसी लिखो, आईयूपीएसी में चाहिए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो हम कहेंगे लंबी श्रृंखला तो दिख रही है, है ना बच्चों, लॉन्ग चेन कितने कार्बन की, तो कहेंगे लॉन्ग चेन देखो तीन कार्बन की है, नंबरिंग कर दो, तो ये है वन टू थ्री, ठीक है, तो हम कहेंगे प्रोपेन अमीन है, हर बार ऐसे नहीं सोचना यूं चले, है ना, नाम तो कैसे भी लिख सकता है, स्ट्रक्चर तो कैसे भी बना सकता है, नाम सही लिखना है, तो हमें पता है एन के साथ एल्किल होना चाहिए,
छोटा समूह एल्किन है, एल्किल है, बड़ी श्रृंखला एल्केन अमीन है, है ना, लॉन्ग चेन एल्केन ढूंढो तो हम कहेंगे एल्केन तो प्रोपेन है, ये तो एल्किल पढ़ेंगे एथिल है, तो भाई प्रोपेन के साथ एमीन है और नाइट्रोजन के साथ एथिल है, तो आपको नाम लिखना है बच्चों, तो आप नेमिंग करेंगे इसका, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन एन के साथ तो एथिल है, एन एथिल, लंबी श्रृंखला में तीन कार्बन है और अमीन एक नंबर पे है, तो एन एथिल, एन के साथ एथिल है, प्रोपेनामीन, यहाँ पे एन के साथ मैथिल था, प्रोपेन भी था लेकिन अमीन दो नंबर पे था, तो टू प्रोपेनामीन, यहाँ एक पे है तो प्रोपेनामीन। नेक्स्ट यहाँ चलते हैं, आप देखो ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, दोनों ही एल्किल है, थोड़ा सा और सोचे तो ये कितने कार्बन का है, एक दो तीन, तो मुझे पता है प्रोपिल, पर तुम कहोगे प्रोपिल तो ऐसा वाला होता है भी, तीन कार्बन सीधे वाला होता है ना, दिस इज नॉर्मल प्रोपिल, आपका जो कनेक्शन दिया हुआ है वो तो ऐसे दिया हुआ है, तो ये आइसोप्रोपिल है, बोलो तो कहेंगे हाँ ये तो टी बन गया, ये तो आइसोप्रोपिल है, और इधर देखो तो बच्चों लंबी श्रृंखला एक दो तीन चार, कितने कार्बन है, तो हम कहेंगे चार, मतलब ब्यूटिल है, अब ब्यूटिल में भी अगर हम ध्यान से देखें, है ना बच्चों, ये जो कार्बन है, ये तुम्हारा जो कनेक्शन है, ये कार्बन कोने से जुड़ा हुआ है, वन डिग्री, ये कितना डिग्री है, टू डिग्री, है ना भाई, अगर ऐसा कुछ होता कि तीन कार्बन सीधे एक नीचे तो मैं आइसोब्यूटिल पढ़ लेती, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो लंबी श्रृंखला चार की है, ठीक है, अब आईयूपीएसी लिखेंगे ना तो लॉन्ग चेन भी चाहिए, तो लंबी श्रृंखला चार की है तो मैं कहूँगी ब्यूटिल ही है, तो ब्यूटिल दो तरह का होता है, अगर चार कार्बन सीधे होते तो नॉर्मल ब्यूटिल, अगर चार कार्बन सीधे होते हैं तो नॉर्मल ब्यूटिल, और चार सीधे नहीं होते, तुम्हारा कनेक्शन जो है वो ऐसा है, चार सीधे हैं लेकिन कनेक्शन दो नंबर से, टू डिग्री से, अब ये हो चाहिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल यानी कि द्वितीयक ब्यूटिल, तो बच्चों ये है तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटिल, समझे मेरी बात, ये पूरा का पूरा क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये तो आइसोप्रोपिल है, ये द्वितीयक ब्यूटिल है, अब सेकेंडरी का ऐसा नहीं काउंट करना, ब्यूटिल ही काउंट होता है, ठीक है, तो आपको नाम लिखना है, तो हम कहेंगे भाई एक तो है द्वितीयक ब्यूटिल, ठीक है, एक तो हमारे पास है द्वितीयक ब्यूटिल और दूसरा है आइसोप्रोपिल, ठीक है, तो एक द्वितीयक ब्यूटिल है, एक आइसोप्रोपिल है और बाकी क्या है एमीन, तो एमीन लिख दो, तो द्वितीयक ब्यूटिल आइसोप्रोपिल एमीन, है ना, इंग्लिश में लिखना है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल एमीन, ठीक है, और आईयूपीएसी तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन तो चार कार्बन की है भाई, वन टू थ्री फोर, तो एल्केन में तो ब्यूटेन आएगा, बोलो सही है, है ना, एल्केन में तो हम कहेंगे ब्यूटेन आएगा और अमीन दो नंबर पे है, तो ब्यूटेन टू अमीन या टू ब्यूटेन अमीन एक ही बात है, ब्यूटेन टू अमीन या टू ब्यूटेन अमीन एक ही चीज है, ठीक है, एल्किल बोलो तो हम कहेंगे एन के साथ आइसोप्रोपिल और ज्यादा है तो टू प्रोपिल लिख दो, है ना, कनेक्शन तो दो नंबर से है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, एन लिख दो, एन के बाद लिख दो टू प्रोपिल, मतलब प्रोपिल है लेकिन कनेक्शन जो है वो दो नंबर से है, ठीक है, लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, चार, तो ब्यूटेन टू पे अमीन है और चाहे तो ऐसे लिख दो टू ब्यूटेन अमीन और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो ब्यूटेन टू अमीन और टू ब्यूटेन अमीन, ठीक है, अब यहाँ चलते हैं बच्चों, है ना, अब देखो कॉमन नेम ये क्या है, सी एस थ्री क्या है, तो हम कहेंगे मैथिल, सी एस थ्री क्या है, मैथिल, अब यहाँ चलो एक दो तीन चार, तो हम कहेंगे चार कार्बन ब्यूटिल, है ना, ये मैथिल है और चार कार्बन, तो हम कहेंगे भाई चार कार्बन जो है ये हमारा एक दो तीन चार ब्यूटिल है, ठीक है, अब ब्यूटिल तो है, कनेक्शन वाली डिग्री देखो, तो बच्चों इसमें क्या है, तो टू डिग्री है, ध्यान से देखो द्वितीयक ब्यूटिल ही तो है, जो चीज़ ये है वही चीज़ तो ये है, तो ये द्वितीयक ब्यूटिल है, तो ये मैथिल है, ये द्वितीयक ब्यूटिल है और एमीन है, ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम पहले कॉमन नेम लिख दो, तो हम कहेंगे देखो द्वितीयक ब्यूटिल, ठीक है भाई, द्वितीयक ब्यूटिल और तो हम कहेंगे मैथिल और क्या लिखना है, तो हम कहेंगे एमीन, तो द्वितीयक ब्यूटिल मैथिल और एमीन, आईयूपीएसी लिखो, तो बच्चों लंबी श्रृंखला चार कार्बन की है, है ना, तो हम कहेंगे भाई देखो ये रही लॉन्ग चेन, चार कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई, नंबरिंग करो तो वन टू थ्री फोर, तो ब्यूटेन टू अमीन
और एन के साथ क्या है, तो भाई एन के साथ तो मैथिल ही है ना, एन के साथ क्या है, तो हम कहेंगे एन के साथ तो मैथिल है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है एन मैथिल, ठीक है, एन मैथिल ब्यूटेन टू एनीन, ठीक है, एन मैथिल, एन के साथ मैथिल है, ब्यूटेन है और टू पे क्या है, एमीन है, तो एन मैथिल ब्यूटेन टू एमीन, सिंपल। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखो बच्चों, टर्शियरी अमाइन। तो टर्शियरी अमाइन यानी हम कहते हैं कि भाई थ्री डिग्री अमाइन्स की बात चल रही, ठीक है। थ्री डिग्री अमाइन मतलब आपके पास सिर्फ नाइट्रोजन है, सिर्फ नाइट्रोजन है और तीन वैलेंसी खाली, अब तीनों तरफ एल्किल है लाइक दिस, तो सामान्य नाम लिखो, तो हम कहेंगे ट्राई एल्किल अमीन, है ना बच्चों, सामान्य नाम लिखना है तो हम कहेंगे ट्राई एल्किल एमीन, ठीक है, आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी में भाई देखो एल्केन अमीन तो लिखना है, जो लंबी श्रृंखला है वो एल्केन अमीन, अब ये दोनों आर सेम है या सेम नहीं है वो कैसे बताए, तो दो आईयूपीएसी नाम देती हूँ, दिमाग तुम्हें लगाना, एक बार तो तुम लिख देना एन एन डाई एल्किल एल्केन अमीन, एन एन डाई एल्किल एल्केना मीन, ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख देती हूँ, एन एन डाई एल्किल, एन एन डाई एल्किल एल्केना मीन, ठीक है। और दूसरा तो हो सकता है दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है, तो हम कहेंगे अगर दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो आप ऐसे लिखिए एन एल्किल एन डैश एल्किल एल्केनामीन, एन एल्किल एन डैश एल्किल और एल्केनामीन, ठीक है। लाइक फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इसमें नेमिंग करें बच्चों, तो देखो मैथिल 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 तीनों सी एच थ्री है, तीनों मैथिल हैं, तो हम कहेंगे ट्राई मैथिल एमीन, ठीक है, तो हम लिख देते हैं ट्राई मैथिल एमीन, ठीक है, मैथिल 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 है ना, तो ट्राई मैथिल एमीन। आईयूपीएसी लिखूं तो एल्केनामीन लंबी श्रृंखला, तो मैं कहूंगी लंबी श्रृंखला तो एक ही कार्बन की है, अब ये एन एन डाई मैथिल है ना, सेम है ना दोनों, इसलिए फर्स्ट वाले के थ्रू जाएंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई एन एन डाई मैथिल मैथेनामीन, देखो लॉन्ग चेन में एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला अमीन तो मैथेनामीन, सोचो एक कार्बन वाला एमीन तो मैथेनामीन, और एक्स्ट्रा क्या है, देखो मैथेनामीन है ना, समझो ऐसे था मैथेनामीन सी एस थ्री एन एच टू, यही तो है बच्चों सी एस थ्री एन एच टू, अब तुमने कहा कि नहीं एच हटा के मैं मैथिल लगा देता हूँ, ये कर देता हूँ, तो ये एन मैथिल मैथेनामीन, अब तुमने कहा नहीं मैं ये एच हटा के भी मैथिल लगा देता हूँ, तो बच्चों ये एन एन डाई मैथिल मैथेनामीन, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ये हो गया एन एन डाई मैथिल मैथेनामीन, ओके। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में चले, तो देखो सिंपल नाम लिखना है तो पढ़ लो, तो हम कहेंगे देखो ये मैथिल है, ये भी मैथिल है और ये एथिल है ना बच्चे, ये मैथिल है, ये मैथिल है और ये एथिल है, तो दो मैथिल है एक एथिल है, दो मैथिल है एक एथिल है, तो डाई मैथिल एथिल एमीन, ठीक है, या एथिल डाई मैथिल एमीन लिख दो अल्फाबेटिकल में लिखे, तो हम कहेंगे चलो एथिल डाई मैथिल और एमीन, ठीक है, एथिल डाई मैथिल एमीन। आईयूपीएसी बताओ तो लंबी श्रृंखला एथेनामीन है क्या, सोचो आईयूपीएसी के अनुसार लंबी श्रृंखला क्या है, तो मैं कहूंगी एथेनामीन, और एन एन डाई मैथिल भी तो दिख रहा है, एक्स्ट्रा है ना एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा एन एन डाई मैथिल, एन एन डाई मैथिल और एथेनामीन, ठीक है, दो मिथाइल एक्स्ट्रा है ना, एन एन डाई मैथिल एल्काइल में और एथेनामीन। अब यहाँ चलो सामान्य नाम बताओ, तो सामान्य नाम देखो ये क्या है, तो हम कहेंगे एथिल है, ये क्या है तो भी एथिल है, और ये क्या है तब भी एथिल, तो तीन बार एथिल है ना, तो हम कहेंगे हाँ भाई तीन बार एथिल है ना, तो तीन बार एथिल मतलब ट्राई एथिल, एथिल 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 तीन बार एथिल, ट्राई एथिल और नाइट्रोजन है तो एमीन, तो मैं कहूँगी यार तीन बार एमीन तीन बार एथिल है, तो ये हो जाएगा ट्राई एथिल एमीन, ठीक है, तीन बार एथिल है तो इट विल बी ट्राई इथाइल एमीन।
IUPAC बोलिए तो हम कहेंगे एल्केनामीन, पहले तो एल्केनामीन बताओ, NN तो सेट कर लेंगे, तो एल्केनामीन में लंबी श्रृंखला, तो भाई तीनों सेम है, तो एथेनामीन, भाई मैं समझ में NN डाई एल्किल, क्योंकि ये दोनों सेम है और ये भी सेम है, तो लंबी श्रृंखला तो मैं कहूँगी लॉन्ग चेन तो दो कार्बन की है, एथेन और अमीन, तो एथेनामीन, और एक्स्ट्रा क्या है, दो एथिल, तो बच्चों NN डाई एथिल है कि नहीं, NN डाई एथिल, और आप लिख दो एथेनामीन, सिंपल, NN डाई एथिल और एथेनामीन। अब यहां आओ तो देखो लॉन्ग चेन, पहले लॉन्ग चेन के सामान्य नाम लिखो, तो मैं कहूंगी ये मैथिल है, ये भी मैथिल है, और एक दो तीन प्रोपिल है, मैथिल मैथिल प्रोपिल, सामान्य नाम लिखो, तो दो मैथिल मतलब डाई मैथिल, दो मैथिल डाई मैथिल प्रोपिल, तीसरा जो है वो तीन कार्बन का है, तो डाई मैथिल प्रोपिल, और क्या लिखना है, एमीन, तो सिंपल सिंपल लिखो भाई, तो हम कहेंगे ठीक है ये है डाई मैथिल, दो मैथिल थे और फिर क्या है, तो हम कहेंगे प्रोपिल और फिर क्या है, तो एमीन, तो बच्चे डाई मैथिल प्रोपिल और एमीन है ना, दो मैथिल है डाई मैथिल प्रोपिल एमीन, और IUPAC लिखें तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं बच्चों, तो लॉन्ग चेन के हिसाब से लंबी श्रृंखला में ये एक दो तीन, तो मैं कहूँगी प्रोपेनामीन तो है ना, एक दो तीन प्रोपेनामीन तो है, और NN तो NN डाई मैथिल है ना, दो मैथिल है ना बच्चों, तो NN डाई मैथिल प्रोपेनामीन, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा NN डाई मैथिल, NN डाई मैथिल तीन कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोपेनामीन, NN डाई मैथिल और लॉन्ग चेन में तीन कार्बन है तो इट विल बी प्रोपेनामीन, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एरोमेटिक अमाइन, तो बच्चों एरोमेटिक अमाइन मतलब NH2 समूह या एमीन समूह, आप चाहे NH हो चाहे N हो है ना, एमीन चाहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो बच्चों जब एमीन समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हो, एमीन समूह बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो एरोमेटिक अमीन बोलेंगे, तो पहला तो भाई ये तो एनिलीन है ना, बेंजीन पे NH2 को क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे ये तो एनिलीन है, अब तुम्हारी मर्जी है तो इसको एनिलीन बोलो या फिर बेंजेनामीन बोलो है ना, बेंजीन पे अमीन तो बेंजेनामीन, ठीक है। IUPAC में एनिलीन बोलते हैं, बेंजेनामीन बोलते हैं, तो फिर सामान्य नाम, ठीक है, तो सामान्य नाम फिनाइल एमीन है ना, बेंजीन लेते हैं ठीक है, बेंजीन को एज अ पेरेंट कंसिडर करते हैं तो बेंजीन है ही, लेकिन जैसे अकेला कार्बन है तो मैथेन है, तो पेरेंट तो एक ही कार्बन का है तो मैथेन बोलो, मना कौन कर रहा है, लेकिन सामान्य लिखना है तो उसको पेरेंट नहीं, उसको सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखते हैं, मूलक के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैथेनामीन है, लेकिन सामान्य लिखना है तो मैथिल अलग एमीन अलग, वैसे बेंजीन पे अमीन है बेंजेनामीन है, सामान्य लिखना है तो उसको बेंजीन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फेनिल, क्या बोलोगे, फेनिल, PHENYL, ठीक है फेनिल, तो सामान्य नाम बनेगा बच्चों, सामान्य नाम बनेगा फेनिल एमीन है ना, और इंग्लिश में बैठेगा फिनाइल एमीन, ठीक है फिनाइल एमीन है ना, और IUPAC बताओ तो एनिलीन लिखो बेंजेनामीन लिखो, कोई बना ही नहीं है, तो हम कहेंगे ओके IUPAC हम लिख लेते हैं एनिलीन या फिर हम लिख लेते हैं बेंजेनामीन, ठीक है एनिलीन या फिर बेंजेनामीन। अब यहां तो भाई ये फेनिल तो है ही, तो फेनिल के साथ एमीन भी है, ये क्या है मैथिल, तो मैथिल फेनिल एमीन, CH3 को पढ़ेंगे मैथिल, इसको पढ़ेंगे फेनिल, CH3 को पढ़ेंगे मैथिल, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन का बेंजीन का मूलक फेनिल, तो मैथिल फेनिल एमीन, ठीक है एम पहले आएगा ना, तो मैथिल फेनिल एमीन। IUPAC तो भाई बेंजेनामीन तो है या एनिलीन तो है, एन के साथ क्या कनेक्ट कर रहे हो, तो हम कहेंगे एन के साथ तो हम मैथिल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है तो बच्चों एन मैथिल है ना, एन मैथिल बेंजेनामीन, ठीक है तो ये हो जाएगा एन मैथिल, एन के साथ मैथिल है ना, एन मैथिल बेंजेनामीन, ठीक है
नेक्स्ट में आओ, ये 2 डिग्री है, ध्यान रखना ये 1 डिग्री है, दिख रहा है ना? मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था, जब भी NH2 दिख जाए तो उसको 1 डिग्री पढ़ लो, जब भी NH दिख जाए तो 2 डिग्री पढ़ लो, और सिर्फ N दिखे तो 3 डिग्री पढ़ लो, ठीक है? तो ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। अब यहाँ देखो तो बच्चों, CH3 होल 3 नहीं है, यहाँ होल 2 है एक्चुअली, CH3 होल 2, तो हम कहेंगे इसका मतलब डाइमेथिल है, ठीक है? ये ऐसे लिखा है, इसको खोलो, है ना? तो इसको खोलोगे तुम कहेंगे क्या, बेंजीन तो है, दिख रहा है? बेंजीन से नाइट्रोजन कनेक्टेड है और उस नाइट्रोजन से 2 मैथिल कनेक्ट है, ठीक है? तो ये मैथिल, ये मैथिल और ये फेनिल, CH3 को क्या पढ़ोगे, मैथिल, दूसरे CH3 को क्या पढ़ोगे, मैथिल, और इसको क्या पढ़ोगे, फेनिल, तो भाई डाई मैथिल फेनिल और एमीन, तो हम कहेंगे ओके सामान्य नाम लिखना है, तो ये हो जाएगा डाई मैथिल फेनिल और एमीन, ठीक है? 2 मैथिल है, डाइमेथिल फेनिल और अमीन। IUPAC बताओ तो बच्चों, N के साथ 2 मिथाइल कनेक्टेड है, तो NN डाइमिथाइल, नाइट्रोजन है ना, इसके साथ 2 मैथिल कनेक्टेड है, तो NN डाइमेथिल। बेंजीन में NH2 होता तो एनिलीन, चाहे बेंजेनामीन, तुम्हारी इच्छा है ना, यहाँ पे देखो बेंजेनामीन है, तुम चाहते बच्चे तो तुम एनिलीन लिख सकते थे, कोई मना ही नहीं थी, है ना? बेंजेनामीन तुम चाहते तो एनिलीन लिख सकते थे। सिमिलरली NN डाइमेथिल और एनिलीन लिख दो, तो हम कहेंगे ओके NN डाइमेथिल एनिलीन, NN डाइमेथिल बेंजेनामीन, NN डाइमेथिल एनिलीन लिख सकते हैं, ठीक है? तो तकलीफ क्या है, सिंपल, कोई तकलीफ नहीं। यहां तक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बच्चों। तो 2 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना? देखो ये फेनिल है, क्या बोलो, सामान्य नाम लिखते हैं तो हम कहेंगे हाँ ये तो फेनिल है, ये क्या है तो हम कहेंगे एथिल है, ठीक है? अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जब बेंजीन से कनेक्टेड हो तो फिर वो एरोमेटिक अमीन ही माना जाए। आपको लगे मैम इधर भी एल्किल है, इधर भी एल्किल है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना? 3 ग्रुप है ना अपने पास, जैसे इस तरह से 3 ग्रुप है ना, भाई इधर क्या है तो हम कहेंगे एथिल है, इधर क्या है तो भी मैथिल है ना, और इधर क्या है तो मेरे बेंजीन है, तो तुम्हें इसको एरोमेटिक अमीन मानना है, ये आपका मैथिल है, ये आपका मैथिल है, और ये क्या है, बेंजीन है, तो तुम्हें एरोमेटिक अमीन समझना है। तो ये नहीं होगी तो 2 एल्किल है तो एलिफेटिक, नहीं, बेंजीन से कनेक्ट होते ही वो क्या हो जाएगा, बेंजीन से कनेक्ट होते ही वो एरोमेटिक हो जाएगा, बस बेंजीन से कनेक्ट हो गया एरोमेटिक हो जाएगा, बस खत्म बात, ठीक है? तो लड़ाई है ही नहीं, एनिलीन तो है ही, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, ठीक है? तो हम कह देंगे सामान्य नाम लिखो पहले, तो तुम कहोगे भाई सामान्य नाम एक तो एथिल है, दिख रहा है, फिर एक फेनिल है, ठीक है, ये भी दिख रहा है, एथिल फेनिल और एमीन, एथिल फेनिल और एमीन, और यहां देखो एनिलीन तो है ही, नाइट्रोजन के साथ क्या कनेक्टेड है, एथिल, एन के साथ क्या कनेक्टेड है, एथिल, तो बच्चे एन एथिल। अब तुम चाहे एनिलीन लिखो चाहे बेंजेनामीन लिखो, उसमें लड़ाई नहीं है, ध्यान रखना, है ना? ये नहीं आपने बेंजेनामीन लिखा दिया स्कूल में तो एनिलीन लिखा दिया, अरे आपने तो एनिलीन लिखा दिया स्कूल में तो बेंजेनामीन लिखा दिया, अरे क्या मजाक लगा रखा है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है? समझ में आ गया, ठीक है? एनिलीन लिखो, बेंजेनामीन लिखो, तो तुम्हें अच्छा लगता है वो लिखो, छोड़ो अच्छा नहीं, जो एग्जाम में याद आया वो लिख लेना, है ना? अच्छे के चक्कर में रह गए पता चला। अब सुनो, ये मैथिल है, ये एथिल है, ये फेनिल है, बोलो ये मैथिल है, ये एथिल है, ये फेनिल है, सबको लिख दो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो, तो एथिल मैथिल फेनिल, फेनिल पी से शुरू होता है, एफ मत कर देना, एथिल मैथिल फेनिल, ठीक है? तो हम कहेंगे ओके, एक तो एथिल दिखा, ये तो गया, एक मैथिल दिखा, चलो ये भी गया, और ये तो ये फेनिल है, तो बच्चों एथिल मैथिल फेनिल एमीन, वाह चलो सारे आउट। IUPAC लिखो, तो भाई बेंजेनामीन एनिलीन तो है ही, एन एथिल एन डैश मैथिल, इस टाइम थोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, तो उधर भी अल्फाबेटिकल ही था, है ना? तो एन एथिल, इधर तो क्या सामान्य नाम में तो चल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एन एथिल, एन के साथ एथिल है, एन डैश मैथिल और एनिलीन बोले चाहे बेंजेनामीन बोले एक ही बात है, ठीक है? एन एथिल एन डैश मैथिल और बेंजेनामीन, इसका बोलेंगे क्या है? ऐसा तो नहीं सोच रहे मैडम यहाँ पे आपने कुछ लगाया नहीं, भूल गए हो आप, है? ये तो नहीं सोचेगा आप भूल गए, मैं भूली नहीं हूँ, ऐसा ही है ना? कहीं मान लो ये लॉन्ग चेन है, ये हैंग हो रखा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको मैथिल पढ़ेंगे ना भाई,
एकावन बाहर हैंग हो रखा है, हाइड्रोजन तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ एकावन कनेक्टेड है, बाकी तीन वैलेंसी खाली है तो तीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये मैथिल है जो हमने बाहर लगा रखा है ना। चलो भाई, तो इसका सामान्य नाम अपन को याद रखना है, अब याद रखना है तो रखना है, अभी बेंजीन पर टॉलुइन होता है ना, मैथिल को क्या बोलते हैं टॉलुइन, तो टॉलुइन एनिलीन आप उसको लड़ाना नहीं है, नया नाम ही कर देते हैं, ऑर्थो टॉल्युइडीन। ऑर्थो इसलिए बच्चों वन टू पोजिशन है, वन टू पोजिशन को ऑर्थो बोलते हैं, क्या बात समझ में आई, वन और टू पोजिशन को क्या बोलते हैं ऑर्थो, तो दिस इज ऑर्थो टॉल्युइडीन, ठीक है। IUPAC नाम बताओ, तो पहले ये तो क्लियर हो गया, ऑर्थो टॉल्युइडीन समझे है ना, मैथिल और NH2 दोनों एक साथ कनेक्ट किए हैं तो ये हो जाएगा ऑर्थो टॉल्युइडीन। IUPAC बता दो। तो भाई एनिलीन तो है ही, नंबर वन ग्रुप हमारा एनिलीन तो है ही, टू पे क्या लगा है, इसको मैथिल पढ़ना है, तो बच्चे टू पे मैथिल है, तो टू मिथाइल एनिलीन बोले, टू मिथाइल बेंजेनामीन बोले, टू मिथाइल कुछ भी बोलो, एनिलीन बोलो या बेंजेनामीन बोलो, तीसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो टू मिथाइल टू मैथिल एनिलीन, ठीक है। अब बोलो ये वाली पोजिशन कौन सी होती है, तो पैरा, वैसे तो 1 2 3 4 सामान्य नाम में तो ऑर्थोमेटा पैरा ही लिखते हैं, तो हम कहेंगे तो पैरा पोजिशन दिख रही, तो बस जो दिख रही है वो लिख लो। तो बच्चों पैरा ब्रोमो, पैरा पे बी आर है ना, पैरा ब्रोमो और बेंजीन पे एनिस्टो को एनिलीन पढ़ना है, तो पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो एनिलीन है ना, 2 3 4 पोजिशंस नहीं लिखते हैं IUPAC में, लिखते हैं पैरा ब्रोमो एनिलीन लिखना है, और IUPAC की जगह सॉरी कॉमन की जगह IUPAC लिखो है ना, कॉमन में ऑर्थोमेटा पैरा चलेगा, मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया, ऑर्थोमेटा पैरा कॉमन में चलेगा, IUPAC में नंबरिंग देना जरूरी है। 1 2 बेंजीन में जो निकटवर्ती पोजिशन है एक और दो, 1 2 ठीक है, तो वो 1 2 पोजिशन तो है, तो यहाँ 1 2 था तो मैंने ऑर्थो यूज किया, यहाँ 1 4 है तो मैं पैरा यूज करूंगी, तो इट विल बी पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो हमने यहाँ पैरा यूज कर लिया तो सामान्य नाम है। IUPAC में नंबर देना जरूरी है, तो बच्चे 1 2 ऑर्थो होता है, 1 4 पैरा होता है, तो हम कहेंगे 1 4 मतलब पैरा ब्रोमो और एनिलीन लिखो, पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्लियर। तो ये हो गया आपके एरोमेटिक अमाइंस की नेमिंग, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीन की नेमिंग आगे देखो, पिछले लेक्चर में हमने प्राइमरी की सीखी थी 1 डिग्री की, आज हमने 2 डिग्री की सीखी, 3 डिग्री की भी सीखी, और एरोमेटिक कंपाउंड तीनों की सीख ली है, प्राइमरी हो गया था, 1 डिग्री हो गया था, 2 डिग्री हो गया था, और 3 डिग्री हो गया था, और एरोमेटिक की, क्लियर। तो यहाँ हमारा बेसिक है ना, अमाइन का इंट्रोडक्शन कह दो, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कह दो, अमाइन की नेमिंग कह दो, ये सारा टॉपिक कंप्लीट है। NCERT और इंटेक्स इसमें जो बनता है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, उसके बाद प्रिपरेशन पे पहुंच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।